हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री जो आपको प्रोवाइड कराई गई है इस वीडियो में, हम कक्षा 5 इंग्लिश, ठीक है, की वर्कशीट भरने वाले हैं पेज नंबर 88 से, ठीक है। और पेज नंबर 88 से जो पहली का आंसर है, सॉल्यूशन है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके चेक करेंगे तो हिंदी का भी मिल जाएगा सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो में। पेज नंबर 88 निकाल लें आप, ठीक है। और इससे पहले का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी मैंने डाल दिया है, तो वो आप जरूर देखें। तो एक्टिविटी नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि आपको ऊपर का जो है मैसेज पढ़ना है, ठीक है। मैसेज में आप जानते हैं कोई भी संदेश है, मैसेज हमको देना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रीडर, मतलब जो पढ़ने वाला है उसका नाम, फिर लिखेंगे क्या संदेश देना है, और आखिरी में लिखेंगे आप अपना नाम कि हमें किसने जो है लेटर लिखा है। इसी जो लेटर दिया है, इसी लेटर के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि सुमित जो है वो कौन है। तो सुमित जो है वो रीडर है, यानी पढ़ने वाला, और ये है आपका बॉडी ऑफ द मैसेज, और अजय जो है वो लेटर लिखने वाला है, ठीक है। लिखने वाले का नाम नीचे आएगा। अगला एक्टिविटी नंबर 2 में आपको अंजुम, डेविड और ये आपको बॉडी दी गई है मैसेज की, इसके आधार पर लेटर लिखना है। तो मैंने लिख दिया है डेविड, है ना, द वेदर इज विंडी टूडे, आस्क माई डॉटर नॉट टू कम आउट ऑन द होम, HOME, होम, अंजुम, अंजुम ने बोला है डेविड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी नंबर 3, फिर से आपको एक मैसेज दिया गया है, मैसेज के अनुसार आपसे आंसर बोल से पूछे गए हैं। हु इज द रीडर ऑफ मैसेज, तो अमित इज द रीडर ऑफ मैसेज, ठीक है। हु इज द राइटर ऑफ मैसेज, तो सविता इज द राइटर ऑफ मैसेज, ओके। पेज नंबर 89 से हो गया 90, राइट द बॉडी ऑफ द मैसेज, बॉडी लिखना है, तो टुडे आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेटेड इन एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, सो आई मे गेट लेट, प्लीज इन्फॉर्म योर मदर, इन्फॉर्म माई मदर। एक्टिविटी नंबर 4 में आपको इन दोनों क्लू की सहायता से जो है आपको एक मैसेज बनाना है, तो मैंने बनाया है सुमित, टुडे आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर समथिंग एल्स, मतलब मैं कुछ काम के लिए बाजार जा रही हूँ, योर फूड ऑन द टेबल प्लीज टेक, और आपका जो खाना है वो टेबल पर है, प्लीज ले लें, ठीक है। पेज नंबर 91 में आपको फिर से एक मैसेज बनाना है, ठीक है। मैसेज में आपको माँ जी को बताना है कि मैं स्कूल में थोड़ी देर के लिए रुकूंगी, तो मैं कितने लेट आऊँगी और क्यों, कब तक आऊँगी, ये आपको बताना है मैसेज में। तो देखो, मदर, टुडे देयर इज ए डांस पार्टिसिपेट इन स्कूल, टुडे टुडे देयर इज ए डांस प्रैक्टिस इज इन स्कूल, मतलब स्कूल में डांस प्रैक्टिस चल रही है, सो आई एम लर्निंग डांस विथ माई फ्रेंड्स, सो आई विल रीच होम आफ्टर 2 आवर्स, मतलब कुछ कम से कम 2 घंटे बाद जो है मैं स्कूल में पहुंच सकती हूँ। तो चलते हैं पेज नंबर 92 पर। पेज नंबर 92 पर आपको क्या दिया गया है, हाँ, ऑर्डिनल नंबर दिए गए हैं और होते हैं कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नॉर्मल, और उन्हीं का हम ऑर्डिनल बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ नहीं है, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे पहला, पहला हिंदी में पहला, तो हमें इंग्लिश में पहला के लिए क्या लिखना पड़ेगा, FIRST, फर्स्ट, ठीक है। और अगर मैं हिंदी कहूँ एक, तो एक के लिए लिखना पड़ेगा मुझे वन, अब आ रहा होगा आपकी समझ में। तो पहला जो है वो ऑर्डिनल है, और एक जो है वो आपका कार्डिनल है, ठीक है। तो इसी के अनुसार आपको इधर भरना है, तो मैंने तो इधर भी भरे हैं, 7 को 7th, 8 को 8th और 9 को 9th बोलते हैं। इसके बाद आपसे कुछ इधर लर्निंग आउटकम में भरने के लिए कहा गया है, तो देखो, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, मतलब जनवरी साल का पहला, अब इधर पहला जहां भी आए वहां फर्स्ट लगाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, तो यहां पर आपको जो है लिखना पड़ेगा TH लगा के, है ना। अगला है फ्राइडे इज द 5th डे ऑफ वीक, सप्ताह का 5वां दिन है। कृष्णा इज द 2nd son ऑफ पेरेंट, देयर वर 10 rooms एंड बॉयज इन द रूम्स 4th room, है ना, मतलब देयर वेयर 10 boys, मतलब 10 लड़के हैं 4th room में, 4th room में, ठीक है। अगला है 7 men केम आउट बट आई न्यू ओनली 7th, मतलब बाहर 7 लोग आए लेकिन मैं सिर्फ एक को जान, 7वीं को जानता हूँ। एक्टिविटी नंबर 2, चित्र के माध्यम से आपको बताना है द बुक इज द 4th place, क्या बुक जो है 4th place पे है, नहीं है तो आप क्रॉस लगाएंगे। द मैंगो इज इट 2nd place, बिल्कुल सही है, मैंगो 2nd place पे है। द पेन इज द 1st place, तो 1st place नहीं है कि वो लास्ट तो टेबल है।
लेट टेबल इज द नेक्स्ट टू पेन, बिल्कुल सही है, नेक्स्ट है, कलम के बाद है। द बॉल इज द फर्स्ट प्लेस, बिल्कुल सही है, बॉल जो है फर्स्ट प्लेस पर है। चलते हैं पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 में आपको सही जोड़ी मिलाना है। जनवरी तो है फर्स्ट है, ठीक है, मार्च आपका थर्ड है, दिसंबर लास्ट है, और जुलाई जो है सेवेंथ है, और बाकी बचा मई, तो वो पांचवा महीना होगा आपका, पांचवा। अगला है इसकी सहायता से, जैसे आप देख सकते हैं कि पहली रो में रवि तीसरा है, दूसरी रो में सुमन पहली और आर्य जो पांचवा है, और तीसरी रो में तीसरी पंक्ति में डेविड और रुचि एक दूसरे के पास पास में है, डेविड पहले और रुचि जो है उसके बाद है, ठीक है। अब इन्हीं के अनुसार हमें 95 पेज नंबर पे आंसर देना है। एट विच प्लेस इज रवि सिटिंग इन द रो, मतलब किस प्लेस पे है फर्स्ट रो में रवि, तो रवि इज द थर्ड प्लेस है ना, थर्ड नंबर पर। इन विच रो इज सुमन गेटिंग फर्स्ट और लास्ट, तो सेकंड रो में है कौन, सुमन। अगला एट विच प्लेस इज द आर एफ, आर एफ इज इन द लास्ट है ना, रुचि इज द नेक्स्ट टू डेविड, रुचि जो है अगली है डेविड से, और सुमन इज द फर्स्ट, तो सुमन जो है फर्स्ट है सेकंड रो में। एक्टिविटी नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 5 में कुछ नहीं है, आपको बताना है दिनों के नाम और किस जगह पर आते हैं भी, और सप्ताह में, ठीक है। जैसे मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, तो आप लिखेंगे ट्यूसडे इज द थर्ड डे ऑफ वीक, ट्यूसडे थर्ड, अरे थोड़ा इसमें थोड़ा गलत हो गया, क्या हो गया, तो फर्स्ट है ना, इधर फर्स्ट है तो इधर सेकंड आना था, क्या आना था, सेकंड, इधर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ठीक है बच्चों, सेवेंथ, या सेवेंथ नहीं, इधर लास्ट आना था। तो बच्चों इसमें आपको एक चेंजेस ये करना है कि इधर बनना है आपको सेकेंड, इधर बनना है आपको SECOND, सेकेंड, ठीक है। अब मैं सेकेंड, और आपको यहाँ बनना है फोर्थ की जगह थर्ड, फिर आपको फिफ्थ, फोर्थ, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इधर आपको लास्ट बनना है, ठीक है, इधर सिक्स बनना है, इधर फिफ्थ बनना है, इधर फोर्थ, इधर थर्ड, इधर सेकेंड, और ये है आपका फर्स्ट, ठीक है, इतना आपको चेंज कर देना है। और मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दूंगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो यहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं पेज नंबर 96 पर। पेज नंबर 96 में आपको इधर कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो है चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, थीके? तो इसके विषय में, तो देखो जो एज है वो आपकी काउंटेबल है, ठीक है। तो देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल मतलब ये होता है कि जिनको हम गिन सकते हैं और जिनको हम नहीं गिन सकते, ठीक है, तो वो होती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसके आपको दिया क्या, अच्छा एक्टिविटी नंबर 1 में आपको वे चीज़ें पर, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं यानी काउंटेबल है, उन पर हमको गोला लगाना है और अंडरलाइन करना है वे चीज़ें जिनको हम नहीं गिन सकते, ठीक है। तो पेन जो है जिनको हम गिन सकते हैं वो एक काउंटेबल है, इसलिए हमने उन पर गोला लगा दिया, और मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, ठीक है, इन पर हमने टिक कर दिया, नीचे अंडरलाइन कर दिया। शहद जो है हम गिन नहीं सकते हैं ना, और बुक जो है हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल है, इस तरह से आप इनको भी कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 में डिग्रीज दी गई हैं, ठीक है, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है, बिग बिगर बिगेस्ट, छोटा उससे छोटा सबसे छोटा, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, लंबा उससे लंबा सबसे लंबा। अगला है लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, ठीक है, लंबा उससे लंबा और सबसे लंबा, हाई हायर हाईएस्ट यानी ऊंचा उससे ऊंचा और सबसे ऊंचा, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 98 पर। पेज नंबर 98 में आपको सही जोड़ी बनाने के लिए दी गई हैं। इन अंडर ऑन, इनका उपयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी चीज़ की वस्तु के अंदर हो, ठीक है, ऑन का उपयोग जब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, ठीक है बच्चों, और अंडर का यूज जब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, अंदर मतलब कि नीचे हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे मिलाना है, ठीक है। तो इधर चटाई के ऊपर जो है कौन है, तो इधर आप भरेंगे इसको, देखो एक मिनट मैं इसको छोटा कर देता हूँ तब आपको पूरा दिखेगा कंप्लीट। हाँ अब देखो मैं जिसका बता रहा हूँ वैसे ही भरना है आपको। तो टेबल के ऊपर गेंद है तो ऑन लगाएंगे आप, ठीक है, बॉक्स के अंदर लड़की है तो इन लगाएंगे, टेबल के नीचे अंडर, ठीक है, वो जो बिल्ली इसके नीचे है तो भी अंडर, और ये लड़की जो है इसके ऊपर है तो ऑन लगाएंगे, ऑन इधर से आप सीधे आएंगे ऐसे ऑन, और जो चम्मच इसके अंदर है तो आप लगाएंगे इन, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, वो नेक्स्ट पेज पर। एक्टिविटी नंबर 4, राजू इज सिटिंग ऑन द बेंच, तो राजू कहाँ बैठा है, ऑन मतलब के ऊपर, किसके, टेबल पर, तो ऑन लगाएंगे, ऑन द मतलब टेबल। अगला है
बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, गार्डन में, तो इन लगाएंगे। और ग्रैंडमा इज पुटिंग द क्लॉथ कहाँ रख रही है, बॉक्स में, तो इन लगाएंगे। द मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, तो ऑन लगाएंगे के ऊपर। अगला है द फ्रॉग इज ऑन द टब, ऑन द टब मतलब टब के ऊपर। एंड ऑल इज फ्रेंड्स आर अराउंड देम, और सभी जो मेंढक हैं उसके चारों तरफ हैं, ठीक है। अगला है दे गो फॉर एन इवनिंग वॉक, ठीक है। इसमें आपको सही वर्ब का यूज करना है, तो बे इवनिंग वॉक पर जाते हैं, ठीक है। अगला है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो मूव्स करती है अराउंड द सन। ही लाइक्स मंकी, वह मंकी पसंद करता है। पोस्टमैन डिलीवर्स, तो इधर आपको क्या करना है, डी ई वी ई आर एस डिलीवर्स करना, एस लगा देना इसके पीछे और कुछ नहीं करना, ठीक है। और इधर रीच, तो रीच का तो रीच ही भरेंगे। पेज नंबर 100 पर आपको दिया गया है एक्टिविटी नंबर 6। आई वेक अप 6 o'clock यस्टरडे एंड आई ब्रश माई टीथ, मैंने अपने दांत साफ किए। आई हैव टेक माई बाग ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया सुबह का नाश्ता। आई गो टू स्कूल 10 o'clock, मैं अपने गया स्कूल 10 o'clock। आई कम, मैं लौट कर आया अपने दोस्तों के साथ शाम को, ठीक है। और इसके बाद पेज नंबर है आपका 101। पेज नंबर 101 में आपको एक्टिविटी नंबर 1 में आपको सेंटेंस दिए गए हैं। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, मतलब मेहनत सफलता का मंत्र है। नॉलेज इज द पावर, ज्ञान जो है शक्ति है। होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी है ना। वर्क इज वर्कशिप, कार्य ही पूजा है। पेन इज माइटर देन सॉर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, तो पेज नंबर चलते हैं 102 पर। पेज नंबर 102 में आपको एक नोटिस दिया गया है। नोटिस मतलब सूचना, उसको आपको पढ़ना है। उसी के आधार पर पेज नंबर 3 में भी एक नोटिस दिया गया है, जिसके आधार पर कोई वस्तु बेचने के लिए आपसे कही गई है, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद जो है आपको एक सही जोड़ी बनाने के लिए दिया है, दी है कि जैसे कि वैन टू व्हाट टू सेल, क्या बेचने के लिए दिया गया है, तो मारुति सुजुकी वैन, ठीक है। होम टू कॉन्टैक्ट, किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आप करेंगे अतुल से, मिस्टर अतुल से। वैन टू कॉन्टैक्ट कब करेंगे, तो आप करेंगे आफ्टर 5 o'clock, 5 बजे के बाद। इंजन कैसा है, तो इंजन है आपका 900 cc। रन कितनी चलेगी, तो वो चलेगी 5000 किलोमीटर। और प्राइस क्या है, तो प्राइस है आपकी 1 lakh rupees। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। चलते हैं पेज नंबर 104। इधर भी आपको एक दिया गया है, ठीक है। उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में ये आपको आंसर देना है। राइट द साइज ऑफ द प्रोडक्ट, तो 24 cm, ठीक है। अगला है राइट द मंथ एंड ईयर मैन्युफैक्चरिंग, तो मंथ है 12 और ईयर है 2020। राइट द नेट क्वांटिटी, तो नेट क्वांटिटी है आपकी 60 N। अगला है आपका वाई होम इज द प्रोडक्ट मार्क्ड, तो मार्केटेड किसके द्वारा मार्केटेड किया गया है, तो बाटा लिमिटेड, बाटा इंडियन लिमिटेड के द्वारा जो है प्रोडक्ट मार्केटेड किया गया है। बाई होम इज द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, तो रितेश ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड बैंक। राइट द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो कंपोजिशन इसमें क्या क्या मिला है, तो 68% कॉटन, 20% पॉलीमर्स, 10% नाइलॉन और 2% इलास्टन जो है मिले हुए हैं। एक्टिविटी नंबर 5 में आपको लॉस्ट एंड फाउंड, मतलब एक चीज़ खो गई है उसके लिए आपको एक वो दे दिया गया है कि पता करने के लिए। अब इसी के आधार पर आपको बताना है कि इसमें क्या है। नेक्स्ट पेज पर आखिरी पेज है वीडियो का, तो द वॉलेट वॉज कंटेनिंग, तो वॉलेट खो गया था, तो उसमें क्या था, तो एडमिट कार्ड था क्लास 12th के लिए, ठीक है। अगला है ट्रेवलर वॉज ट्रेवलिंग इन द बस, रूट नंबर 123, रूट नंबर यानी रस्ते का नंबर। अगला है द ट्रेवलर वॉज ट्रेवलिंग रंग महल टू अरेरा हिल्स, तो कहाँ से, रंग महल से अरेरा हिल्स के लिए ट्रेवल कर रहा था। द ट्रेवलर वॉज ट्रेवलिंग ऑन, कब कर रहा था, 15 फरवरी 2021 को। द वॉलेट वॉज ब्लैक कलर, काले कलर का था, और एग्जामिनेशन एंट्री टिकट वॉज फॉर क्लास 12th, और क्लास 12th का जो है उसमें एडमिट कार्ड था। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में लिंक दी गई है। टेक केयर।